जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में मैं हरिद्वार सर आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग संस्कृत में जो बचा हुआ शेष भाग था, हमने आपको बताया था कारक और विभक्ति जो लंबा टॉपिक है, उसमें का जो बचा हुआ शेष भाग है, आज हम आपको वो बचा हुआ शेष भाग बताते हैं। इसके पहले हमने आपको तीन लेक्चर दिया था जिसमें कारक और विभक्ति को बताया था, जिसमें कुछ प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे, हमने आपसे कहा था कि आप उन प्रश्नों को समझ लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि कंपटीशन में बार बार आता है। और वो ऐसा प्रश्न आपसे हमने चर्चा किया था जो हिंदी और संस्कृत दोनों के कंपटीशन में बार बार आया है। तो आज आपको हम उसी कारक और विभक्ति का बचा हुआ शेष भाग बताते हैं, और आप इसको संस्कृत को बड़े ध्यानपूर्वक से पढ़िए, तभी आप समझ पाएंगे। तो इसमें हम आपको बता रहे थे द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति कन्फर्म थी, दूसरा बता रहे थे द्वितीय विभक्ति जिसमें होता है कर्मकारक, कर्मकारक द्वितीय विभक्ति कर्मकारक, इसकी चर्चा हम आपसे कर रहे थे। जिसमें छात्रों हमने द्वितीय विभक्ति के जो सूत्र हैं इसमें कई नियम हैं, जैसे आपको हमने बताया था कर्तुरीप्सिततमं कर्म पहला सूत्र जिसकी व्याख्या हमने कर दिया था। उसके बाद दूसरा सूत्र था कर्मणि द्वितीया, यानी कर्मकारक में द्वितीय विभक्ति होती है। और तीसरे सूत्र की चर्चा हमने किया था जो बड़ा इम्पॉर्टेंट सूत्र था अकथितम च, जिसमें हमने 16 धातुओं की चर्चा किया था, यानी 16 धातुएं ऐसी हैं जिनके साथ दो दो कर्मों का प्रयोग होता है। ये धातुएं 16 जहां आती हैं अपने साथ एक नहीं दो दो कर्मों को लेकर के आती हैं, जिसमें एक श्लोक हमने आपको बताया था, आप उस श्लोक को रट लीजिए, दुह्याच पच दंड रुधि प्रक्ष ची ब्रु सास जीमंथ मुशाम कर्मयुक् स्यात् अकथितम तथा स्यानी हरी क्रिस वहाम। ये 16 धातुएं हो गई जो ये किस श्लोक में हमने आपको कंबाइंड करा दिया था, और अलग अलग इन 16 धातुओं का प्रयोग हमने आपको बता दिया था। तो इसके बाद चौथे सूत्र कर्मकारक द्वितीय विभक्ति का जो चौथा सूत्र है, आज उस चौथे सूत्र को आप बताते हैं। चौथे सूत्र को भी आप बड़े ध्यानपूर्वक से देखिए, जिसका नाम है गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया, यानी सूत्र 4 है गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया, गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया। ये देखिए गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया का मतलब है कि गति करने वाली धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी गति करने वाली धातुओं के योग में गति करने वाली, गति करने वाली धातुओं के योग में, धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका नियम है कि गत करने वाली धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और हमने आपको बताया कि जहाँ जाया जाता है, ध्यान दीजिए, जहाँ जाया जाता है, जाया जाता है उसमें
जहाँ जाया जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, यानी जहाँ जाया जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। पुनः आप ध्यान दें कि गति करने वाली धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तथा जहाँ जाया जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। अब आप ध्यान दीजिए कि जैसे हम कहें सिंह वनम भ्रमति, उदाहरण है सिंह वनम भ्रमति, सिंह वनम भ्रमति हिंदी हो गई, शेर वन में घूमता है। कहाँ घूमता है? वन में। अभी हमने आपसे चर्चा किया कि जहाँ जाया जाता है उसी में द्वितीय होती है, तो वन में घूम रहा है ना, तो वन को द्वितीय में लिखा गया है। जैसे बालकम में द्वितीय है उसी प्रकार से वनम द्वितीय है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, सह गृहम गच्छति, सह गृहम गच्छति हिंदी हो गई, वह घर जाता है। अब कहाँ जाता है? घर जाता है। हमने अभी आपसे चर्चा किया कि जहाँ जाया जाता है उसी में द्वितीय होती है। कहाँ जाता है? घर जाता है। तो घर में द्वितीय विभक्ति हो गई, यानी ये आपका जो घर है द्वितीय विभक्ति, और जहाँ द्वितीय विभक्ति होगी उसमें कर्म कारक होता है। उसके बाद अगला सूत्र आपको बताते हैं, सूत्र नंबर 5, यानी द्वितीय, इसको आप नोट कर लीजिए, द्वितीय विभक्ति का 5वां सूत्र, यानी कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, जिसका 5वां सूत्र है कि अधिसिंह अस्था साम कर्म, ये है अधिसिंह, अधिसिंह अस्था साम कर्म, अधिसिंह अस्था साम कर्म, ये एक साथ है अधिसिंह अस्था साम कर्म। इसको आप ध्यान दीजिए, पहले समझिए, सी या सिंह धातु है, कौन सी कहिए चाहे सिंह, सिंह ये धातु है जिसका अर्थ होता है सोना, स्लीपिंग, सी या सिंह धातु है जिसका अर्थ है सोना। अस्था का मतलब होता है बैठना, अस्था मीन्स बैठना, बैठना कहिए चाहे ठहरना कहिए, ठहरना, बैठना या ठहरना हो गया। और आस, आस मीन्स भी बैठना होता, आस भी क्या है धातु है, आस, आस का मतलब होता है बैठना। ये तीन धातु में पुनः जानिए, अधि ये सिंह या सी सोना, अस्था बैठना या ठहरना, आस, आस का मतलब भी होता है बैठना। अब इन तीन धातुओं के पहले नियम है कि इन तीन धातुओं के, इन तीन धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो, यदि अधि उपसर्ग लगा हो, इन तीन धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो अधिकरण में द्वितीय विभक्ति होती है, तो अधिकरण में द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। पुनः एक बार समझें कि
सी या सिंह धातु है जिसका अर्थ है सोना। अस्था मीन्स बैठना या ठहरना, आस आस मीन्स बैठना। इन तीन धातुओं के पहले, यहाँ पहले शब्द बढ़ाइए, इन तीन धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो अधिकरण में द्वितीया विभक्ति होती है। अब देख लीजिए, ये तीनों धातु हैं, उनके पहले अगर अधि उपसर्ग लगा है तो जहाँ अधिकरण होना चाहिए, अधिकरण ना हो करके, कहने का मतलब उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण देखें, मोहनः हृदयम् अधितिष्ठति, मोहनः हृदयम्, मोहनः हृदयम् अधितिष्ठति, मोहनः हृदयम् अधितिष्ठति। अब देखिए, यहाँ स्थ धातु है आस, तिष्ठत तिष्ठत तिष्ठन्ति रूप चलता है, तो अब देखिए यहाँ इसके पहले अधि उपसर्ग लगा है, हिंदी हो गई कि मोहन हृदय में स्थित होते हैं, तो यहाँ हृदयम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि तिष्ठत के पहले अधि उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए अधिकरण में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अधिकरण ना हो करके द्वितीया विभक्ति हुई है, इसलिए यहाँ हम कहेंगे द्वितीया विभक्ति और कर्म कारक है। रामः चतुष्पादिकाम् अधिशेते, दूसरा उदाहरण है, रामः चतुष्पादिकाम्, रामः चतुष्पादिकाम् अधिशेते। अब देखिए, सिंह मीन्स सोना, अब इसके पहले अधि उपसर्ग लगा है, तो अब इसीलिए यहाँ अधिकरण कारक ना हो करके कर्म कारक हुआ, लिखा गया रामः चतुष्पादिकाम् अधिशेते, यानी राम चौकी पर सोते हैं। एक उदाहरण और देखिए, चंद्रपीडः मुक्तशिलापट्टम्, चंद्रपीडः, उदाहरण है, चंद्रपीडः मुक्तशिलापट्टम् अधिशिष्ये, मुक्तशिलापट्टम्, मुक्तशिलापट्टम् अधिशिष्ये, अधिशिष्ये, चंद्रपीडः मुक्तशिलापट्टम् अधिशिष्ये, चंद्रपीडः मुक्तशिलापट्टम् अधिशिष्ये, जिसकी हिंदी हो गई कि चंद्रपीडः, यहाँ चंद्रपीडः लिखे, चंद्रपीडः मुक्तशिलापट्टम् अधिशिष्ये, यानी हिंदी हो गई चंद्रपीड मुक्तशिला की पटरी पर लेट गया। चंद्रा हिंदी नोट कर लीजिए, चंद्रपीड मुक्तशिला, चंद्रपीड मुक्तशिला की पटरी पर लेट गया, चंद्रपीड मुक्तशिला की पटरी पर लेट गया। अब देखिए, शिष्य से पहले अधि उपसर्ग लगा है, इसलिए यहाँ लिखा गया है मुक्तशिलापट्टम्। अब मुक्तशिलापट्टम् में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसको आप निशान लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। कभी कभी कंपटीशन में सेम यही उदाहरण ही उठा के रख देता है और आपसे कहता है कि कौन सी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला सूत्र बताते हैं, छठा सूत्र, यानी द्वितीया विभक्ति, इसको आप नोट कर लीजिए, द्वितीया विभक्ति कर्म कारक का छठा सूत्र है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। छात्रों ध्यान दें यहाँ से, यानी द्वितीया विभक्ति कर्म कारक
का पांच सूत्र हमने बता दिया। सूत्र नंबर 6 है, ये छठा सूत्र, सूत्र 6। सबसे पहले आप निशान लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न छात्रों यहां से आप देखेंगे कि सेम का सेम पूछ लेता है, तो आप यहां देखें, सूत्र है अभितः परितः समया निकसा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। तो नोट करिए, अभितः परितः, अभितः परितः समया, अभितः परितः समया निकसा, अभितः परितः समया निकसा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया, हा प्रति योगे अपि द्वितीया, योगे अपि द्वितीया। यानी सूत्र है अभितः परितः समया निकसा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से कभी कभी आप देखेंगे सेम यही उदाहरण ही उठा देता है, कहता है आपसे कि बताइए यहाँ पर किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आपको हम और अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि आप कन्फर्म रूप से समझ जाइए। सबसे पहले सबका अर्थ जानिए कि हो क्या रहा है। अर्थ अभितः आया है, तो अभितः का मतलब होता है दोनों ओर या आसपास। सबके अर्थ को पहले आप जाने तब क्लियर होंगे। अभितः दोनों ओर या आसपास, चाहे आप दोनों ओर कहिए या आसपास कहिए, इसका अर्थ हो गया अभितः। उसके बाद अगला शब्द है परितः। परितः मीन्स होता है चारों ओर। परितः इसका मतलब है चारों ओर। उसके बाद अगला शब्द है समया। समया मतलब समीप, समया समीप। उसके बाद अगला है निकसा। निकसा का मतलब है निकट, निकसा, निकसा का मतलब ही है निकट। उसके बाद अगला है हा। हा का मतलब होता है शोक। हा, हा मीन्स शोक। उसके बाद अगला शब्द आया है प्रति। प्रति का मतलब होता है ओर। प्रति, प्रति मीन्स ओर। तो सबसे पहले आप सबका अर्थ जानिए, मैं बता दिया अभितः मीन्स दोनों ओर या आसपास, परितः मीन्स चारों ओर, उसके बाद समया, समया मीन्स होता है समीप, फिर है निकसा, निकसा मतलब निकट, हा मतलब होता है शोक, और प्रति का मतलब होता है ओर या तरफ। इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। ये जो इतने शब्द हैं, इन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, द्वितीया विभक्ति होती है जैसे, अब ये शब्द आएंगे जितने भी, तो जहाँ भी होंगे उनके योग में जो भी आएगा वो द्वितीया विभक्ति में होगा। द्वितीया विभक्ति का मतलब हो गया कर्म कारक। जैसे ग्रामम अभितः, ग्रामम अभितः पर्वताः सन्ति, ग्रामम अभितः पर्वताः सन्ति। अब यहाँ आपने देखा अभितः शब्द है, अभितः के योग में कौन आया है, गांव। तो गांव को द्वितीया में लिखा गया है, ग्रामम लिखा गया है,
अब इसकी हिंदी हो गई, ग्रामम अभितः पर्वताः सन्ति, गांव के दोनों ओर पर्वत हैं, गांव के दोनों ओर पर्वत हैं। उसके बाद अगला है, देवालयम परितः पुष्पाणि सन्ति। दूसरा उदाहरण, देवालयम परितः, देवालयम परितः पुष्पाणि सन्ति, देवालयम परितः पुष्पाणि सन्ति। अब परितः के योग में आपने देखा देवालय आया है, तो देवालय की संस्कृत द्वितीया में लिखी गई है जिसमें कर्म कारक है, हिंदी हो गई कि देवालय के चारों ओर फूल हैं। उसके बाद अगला उदाहरण आपको बताते हैं, समया लंकाम समया सागरः अस्ति, लंकाम समया सागरः अस्ति, लंकाम समया सागरः अस्ति। अब आप यहाँ भी देखें, समया के योग में लंका आया है जिसकी संस्कृत द्वितीया में लिखी गई है, समया के वजह से लंकाम में द्वितीया है, द्वितीया विभक्ति का मतलब है कि कर्म कारक है, जिसकी हिंदी हो गई लंका के समीप समुद्र है। उसके बाद अगला उदाहरण, नगरम निक्षा नदी, नगरम निक्षा नदी। हमने यहां लिखा कि नगरम निक्षा नदी, निक्षा के योग में नगर आया है, तो नगर की संस्कृत जो है द्वितीया में लिखी गई है। अब इसमें नगरम में द्वितीया विभक्ति कर्म कारक हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं अगला उदाहरण, ये आप देखिए पांचवा, हासठम। अब देखिए हा के योग में कौन आया, सठ आया, सठ मीन्स दुष्ट, तो सठ की संस्कृत द्वितीया में लिखी गई है सठम, जिसका मतलब हो गया दुष्ट के लिए हाय, हिंदी हो गई इसकी, लिख लीजिएगा आप दुष्ट के लिए हाय, दुष्ट के लिए हाय। तो अब आप देखिए यहाँ कहने का मतलब कि जहाँ पर अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति ये शब्द आते हैं, इनके योग में द्वितीया विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। और ये उदाहरण देखिए बार बार आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है, और इसीलिए हमने इन सब उदाहरण को क्लियर करा दिया, और आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे अगला नियम बताते हैं आपको, जो है अगला सूत्र जिसका नाम है अंतरा अंतरेण युक्ते, यानी द्वितीय विभक्ति का सातवां सूत्र है, इसको आप नोट कर लें सभी उदाहरण। फिर द्वितीय विभक्ति का सातवां सूत्र, ये मैं समझ रहा हूं आप नोट कर लिए होंगे, और अब मैं अगला सूत्र बताता हूं जो है सातवां सूत्र, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का सातवां सूत्र, अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण, अंतरा अंतरेण युक्ते, सातवां सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते। पहले जानिए अंतरा मीन्स होता है बीच में, अंतरा, अंतरा का अर्थ है बीच में, और दूसरा शब्द आया है अंतरेण, अंतरेण मीन्स होता है बिना, अंतरेण, अंतरेण का अर्थ है बिना, अंतरा मीन्स बीच में और अंतरेण मीन्स होता है बिना। इनके योग में, इनके योग में अंतरा अंतरेण, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है।
अंतर अंतरेण इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे कहीं अंतर आ गया और अंतरेण आ गया तो आप जानिए कि इनके योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंतरा ग्रामम नदी प्रहवति, अंतरा ग्रामम, अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति, अंतरा ग्रामम नदी प्रहवति। अब अंतरा के योग में गांव आया, गांव की संस्कृत द्वितीया में लिखी गई है। इसकी हिंदी देखिए, दो गांव के बीच नदी बहती है, हिंदी हो गई दो गांव के बीच नदी बहती है, दो गांवों के बीच नदी बहती है। अब अंतरा के योग में गांव आया, गांव की संस्कृत ग्रामम लिखा गया है, इसमें कर्मकारक द्वितीया विभक्ति है। ऐसे उदाहरण लिख देता है, कहता है बताइए यहाँ किस कारक का प्रयोग किया गया है, तो आपका आंसर होगा कर्मकारक का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला उदाहरण है, संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानामि, संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानामि। उदाहरण है, संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानामि, हिंदी हो गई संस्कृत के सिवाय कुछ नहीं जानता, संस्कृत के सिवाय कुछ नहीं जानता। अब आप देखिए यहां अंतरेण के योग में संस्कृत शब्द आया है, इसलिए संस्कृत को संस्कृतम लिखा गया है, तो इसमें कर्मकारक द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। कहीं पर भी ये ऐसे उदाहरण दे के पूछता है कौन सा कारक, आपका आंसर होगा कर्मकारक द्वितीया विभक्ति। तो अंतरा और अंतरेण के योग में जो भी शब्द आएगा उसमें द्वितीया विभक्ति कर्मकारक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला उदाहरण है, काला धनो अत्यंत संयोगे, सूत्र आठवां है, काला धनो अत्यंत संयोगे। सबसे पहले आप सूत्र लिखिए, काला धनो, काला धनो अत्यंत संयोगे, काल ध्वनि अत्यंत संयोगे। अब यहां देखिए अध्व, काल अध्व, अध्व का मतलब होता है अध्व, अध्व मीन्स होता है दूरी, काल अध्व, अध्व का मतलब दूरी। उसके बाद यहां है काल समय अध्व, दूरी, दूरी का मतलब मार्ग की दूरी, यानी इसका अर्थ लगेगा मार्ग की दूरी, मार्ग की दूरी। तो कहने का मतलब जब किसी काल में कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे या कोई वस्तु लगातार कुछ दूरी तक हो, यानी उसमें गैपिंग नहीं हो, लगातार कुछ दूरी तक हो, तो उसमें समयवाचक जो शब्द है और समयवाचक
मार्गवाचक शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी समझिए फिर से आप, जब किसी काल में कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे या कोई वस्तु लगातार कुछ दूरी तक हो। कहने का मतलब जब किसी काल में कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे या कोई वस्तु लगातार कुछ दूरी तक हो, तो समय और मार्गवाचक शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, तब आप स्पष्ट हो जाएंगे, क्लियर होंगे तभी। यानी जब किसी काल में कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे या कोई वस्तु लगातार कुछ दूरी तक हो, तो समय और मार्गवाचक शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जैसे मार्गवाचक का पहले उदाहरण हम आपको बताते हैं। मार्गवाचक शब्द में जैसे हम कहते हैं कि क्रोशम कुटिला नदी, इसको आप निशान लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट छात्रों। ये उदाहरण कभी कभी सेम ऐसे ही पूछ दिया गया है, क्रोशम कुटिला नदी, कोश भर नदी टेढ़ी है, हिंदी हो गई, कोश भर नदी टेढ़ी है, कोश भर नदी टेढ़ी है। तो अब देखिए, यहाँ कहने का मतलब मार्गवाचक है कोश, यानी ये कोश तक नदी लगातार टेढ़ी है। अब इसीलिए यहाँ मार्गवाचक शब्द क्या है, कोश। कोश की संस्कृत द्वितीया में लिखी गई है, क्रोशम। तो इस क्रोशम में कर्म कारक द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला है राजमार्गम क्रोशम कुटिलम। तो यहां भी देखिए, सड़क कोश भर टेढ़ी है, तो क्रोश की संस्कृत क्रोशम लिखी गई है, जो द्वितीया में है, जिसकी हिंदी हो गई सड़क कोश भर टेढ़ी है। अब ये क्रिया लगातार है, मार्गवाची है, यानी ये कोश तक टेढ़ी है। उसके बाद अगला उदाहरण देखिए, कालवाचक। मार्गवाचक के बाद कालवाचक, यहां भी देखिए द्वितीया विभक्ति और कर्म कारक का प्रयोग किया जाएगा। कालवाचक में उदाहरण इसका देखिए, सहमासम अधीते रामायणम
शह मासम अधीते रामायणम रामायणम। हिंदी हो गई, पहले हिंदी जानिए। वह महीने भर रामायण पढ़ा। अब आप यहाँ देखें कि ये क्रिया जो है कालवाची है, एक महीने तक लगातार वो रामायण पढ़ा। तो महीना, मास का मतलब महीना है, इसीलिए मासम की संस्कृत द्वितीया में लिखी गई है, जिसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला उदाहरण देखिए, सह सप्ताहम पठिष्यति, सह सप्ताहम पठिष्यति, सप्ताहम पठिष्यति, सह सप्ताहम पठिष्यति। अब सप्ताह देखिए क्या है, समय है, कालवाचक है, हिंदी हो गई कि वह सप्ताह भर पढ़ता है, हिंदी वह सप्ताह भर पढ़ता है। अब सप्ताह क्या है, समयवाचक है, इसीलिए सप्ताह की संस्कृत सप्ताह लिखी गई है, जिसमें द्वितीया विभक्ति और कर्मकारक का प्रयोग किया गया है। उसके बाद एक सूत्र और आपको हम बताते हैं, इसका अगला सूत्र ये आप नोट कर लीजिए, नौवां सूत्र है द्वितीया विभक्ति का, सूत्र नंबर 9। नीचे के उदाहरणों को आप नोट कर लीजिए, सूत्र नंबर 9 आपको बताते हैं, जिसका नाम है क्रिया विशेषणे द्वितीया, क्रिया विशेषणे द्वितीया। क्रिया विशेषणे द्वितीया, ध्यान दीजिए, यहां है हिंदी इसकी परिभाषा है कि क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति होती है, क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति होती है, क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति होती है। ये नियम है कि क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति होती है, आप ये नोट कर लिए होंगे, अब मैं मिटा रहा हूं नीचे का। फिर ये देखिए, क्रिया विशेषणे द्वितीया का मतलब कि क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे सह मधुरम गायति, सह मधुरम गायति। अब यहाँ देखिए, क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बताए, वो क्या है, क्रिया विशेषण है। अब यहाँ हिंदी हो गई, वह मीठा गाता है, गाना क्रिया है। अब यहाँ देखिए, क्रिया की विशेषता मिल रही है कि कैसा गाता है, मीठा गाता है। तो मीठा की संस्कृत मधुरम लिखा गया है, ये क्या हो गया, मधुरम क्रिया विशेषण हो गया छात्रों, इसीलिए इसमें द्वितीया विभक्ति और कर्मकारक है। उसके बाद अगला देखिए, द्रुतम गच्छति अश्व, द्रुतम गच्छति अश्व, द्रुतम गच्छति अश्व, हिंदी हो गई, घोड़ा तेज जाता है। अब यहाँ घोड़ा की विशेषता मिल रही है कि घोड़ा कैसे जाता है, तेज जाता है। तो तेज की संस्कृत द्रुतम लिखी गई है, जो द्वितीया में है, इसलिए द्रुतम में कर्मकारक द्वितीया विभक्ति हुई। और ये द्वितीया विभक्ति के हमने आपको 9 सूत्र बताए, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इसमें जो एक हमने सूत्र बताया है, अभितः परितः समया निकसा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया, छात्रों
यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन, और हमने सबके उदाहरण आपको दे करके क्लियर करा दिया है, उसको आप निशान लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको एक बार पुनः पढ़ डालिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनता है। और ये सूत्र भी याद कर लीजिए, अभितः परितः समया निकसा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। अब इसका जो आगे शेष बचा है हम आपको अगले लेक्चर में देंगे, तब तक आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।